गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। विविध सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की मनाई गई जयंती। शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक होंडा सिटी और एक तमंचा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद। कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा, पार्टी हाईकमान ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेसियों ने मनाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती। कहा, कभी नहीं भूल पाएगा उनके कार्यों को गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 2018 का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी में दिखी सांस्कृतिक झलकियां। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की उनके पैतृक गांव हरनही महुराव में मनाई गई जयंती। हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट। गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कहा, बच्चों को संस्कारिक बनाना है उद्देश्य। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के लिए सपा ने बनाया निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को प्रत्याशी। पीस पार्टी का भी मिला है समर्थन। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से चल रहा है डिवाइडर बनाने का कार्य। जुबली इंटर कॉलेज के मैदान पर जिला स्तरीय वेटरन T20 टूर्नामेंट का हुआ आगाज। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक अजय रही CAG LCT ने किया ट्रॉफी पे कब्जा। अब खबरें विस्तार से। रविवार को विविध सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा पूर्वांचल के मसीहा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह जनसेवा संस्थान के लोगों ने भी रविवार को इंदिरा बाल विहार स्थित स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया, जिसके बाद उन्होंने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस दौरान संस्थान के लोगों ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के अमरता के नारे भी लगाए। इस अवसर पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर सहकारी बैंक के निवर्तमान चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह, हरि सिंह, राधेश्याम, गोरखपुर न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक व प्रधान संपादक हनुमान सिंह बघेल, सैयद अल्ताफ हुसैन, राजेश सिंह, रणजीत सिंह, पिंटू सिंह, वेद प्रकाश सिंह, BK सिंह, गणेश प्रसाद गुप्ता सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं संचार मंत्री भारत सरकार, उनके गुजरे 28 साल हो गए और उनसे जुड़े कार्यों को हम फिर से उजागर करना चाह रहे हैं।
कि आज भी जो भी कार्य विकास के हुए उसका आधार स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के माध्यम से हुआ और उसी आधार पर नई इमारतें बनी, विकास के नए स्तर छुए गए। तो एक तरह से हम माने तो विकास के ये जनक माने जाते हैं पूर्वांचल के, और पूर्वांचल की धरती हमेशा उनको याद करेगी। मैं सिर्फ पुत्र के नाते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूर्वांचल की भी धरती उनको सदैव याद रखेगी, उनके किए हुए कार्यों को सदैव याद रखेगी। धन्यवाद। खोराबार पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब मुठभेड़ के दौरान लूट करने वाले गैंग के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों अभियुक्तों के नाम क्रमशः अजय गुप्ता, अनूप यादव, सूरज और शुभम है। इन चारों अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक होंडा सिटी चारपहिया वाहन और 5000 नगद और 3 मोबाइल बरामद हुए। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। अच्छा, पता नहीं, जब कोई घटना सही खुलती है तो चोरी लिखाने वाले, लूट लिखाने वाले ज्यादा पैसा नहीं, तो कुछ छिपाते हैं कि इनकम टैक्स वाले कहीं ना है, कुछ सब कुछ कर देते हैं। और आ जाओ बीच में रहेंगे आप, किनारे किनारे सजा देंगे। घटनाक्रम का पूरा सूत्रधार है। नहीं अनुप नहीं, बच्चा बाबू। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में थानाध्यक्ष खोराबार की पुलिस टीम द्वारा कल एक पुलिस मुठभेड़ में चार शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। ये पुलिस टीम ने इन लुटेरों को रोकने की कोशिश किया, चेकिंग करने के लिए होंडा सिटी कार में सवार थे, इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने बचाव करते हुए घेर कर इनको गिरफ्तार किया। ये शातिर लुटेरे की गिरफ्तारी के बाद लूट की दो घटनाओं का खुलासा हुआ। अभी 15 फरवरी को एक फोटोग्राफर के साथ डांगीपार गांव में उसके 3 मोबाइल और उससे लगभग 14-15 हज़ार रुपये लूटे गए थे। गिरफ्तारी के बाद इन लुटेरों ने उस घटनाक्रम का खुलासा किया है और लूटे गए 3 मोबाइल फ़ोन और लूट के 5000 रुपये रकम भी बरामद की गई। लूट के पैसों को क्या करते थे, किस में यूज़ करते? अभी इन लोगों ने तरकुल्हा में जाके एक पार्टी किया था और जो पैसा लूटा था इन्होंने 14-15 हज़ार, उसमें से उस पैसे को उन्होंने पार्टी में खर्च किया था। ये पढ़े लिखे कार्मल टैक्सी स्टैंड से होंडा सिटी गाड़ी किराए पे चलाता है, चलवाता है, और बाकी लोग गांव के ही व्यक्ति। अब पुराना अपराधी का इतिहास है, वो वाहन चोरी में भी जेल जा चुका है। लेते हैं छोटा सा अल्प विराम, जल्द ही लौटते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा, 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक गोलघर स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष जमाल अहमद, कांग्रेस के उपचुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम, डॉक्टर वजाहत करीम सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा,
हम प्रयास करेंगे कि हमारे प्रत्याशी आए, लेकिन वो बैठे नहीं रहते हैं, वो चलते रहते हैं। इसलिए इस शिकायत को लेके कोई भी पार्टी का निश्चित रूप से उनको भी अवसर मिलेगा, बहुत ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ जेपी उपाध्याय जी अपने निकालो के सामने बोलने में तो दम निकलता है। मिली है आपको, क्या कहेंगी? बोलने के लिए तो मैं गठबंधन क्या माना जाए, टूट गया है गठबंधन, टूट गया है गठबंधन जो था पिछले चुनाव में, सब पार्टी अलग अलग। रविवार को ही महानगर के कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। कांग्रेसियों ने इंदिरा बाल विहार स्थित स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया। समारोह के दौरान कांग्रेसियों ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का जय घोष भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने अपने अल्प कार्य में ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किया उसे औरों को सीख लेना चाहिए। गोरखपुर के लोग इनके कार्यों को कभी भूल नहीं पाएंगे। इस मौके पर पूर्व महापौर पवन बथवाल, पार्टी के वेद प्रकाश पाठक, सैयद हुसैन अली, मोहनलाल गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर पवन बथवाल ने कहा, अरे भाई साहब हेलो, क्या एकदम से बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे। दो सिंह पूर्वांचल के युग पुरुष थे, आज पूर्वांचल जो आप देख रहे हैं जिनकी चर्चा होती है उन्हीं की देन है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के काम करना होगा। राम हड़ताल परियोजना है, गोरखपुर का सुंदरीकरण है, जितना सब पार्क वर्क बना हुआ सब हम के जमाने को बना हुआ है ना, हमारे पास तो कोई काम हुआ नहीं यहाँ पर, और हम भी उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कुछ हमारा जो था मेयर उन्होंने बनाया था, उनको हम लोग नमन कर रहे हैं और सब लोग मिलजुल के मांगने को नए सिरे से ये कार्यक्रम क्लिक किया गया है कि सब लोग पूरा जीवित किया जाए। ठंडा पड़ गया था, अब हर समय हर प्रोग्राम पर हर जयंती पर 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ एक प्रोग्राम किया जाएगा और अगली बार एक यहाँ जनसभा भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 2018 का आयोजन रविवार को विश्वविद्यालय के अमृत कला वीथिका हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, राज्य ललित कला अकादमी के सचिव डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर, कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव केतन सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और फीता खोलकर किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत की प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर अतिथियों ने विविध पोस्टर प्रदर्शनी प्रतियोगिता में शामिल गोरखपुर, मऊ और मिर्जापुर के 3 कलाकारों को 10,000 का चेक और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी गोरखपुर पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए प्रतिभागियों की भूरी भूरी प्रशंसा की।
उधर देखिए आपका अभिनंदन है। हमारे भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति और ललित कला एवं संगीत विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह जी और धर्मवर दास अग्रवाल जी को कुछ कुछ देकर सम्मानित प्रदर्शनी के लिए 58 कलाकृतियाँ रही और 58 कलाकार का जो वर्क है या 58 जो कलाकृतियाँ हैं उनमें से 3 को हमने पुरस्कृत किया है। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, कम से कम 2-3 महीने हमें लगते हैं और 2-3 महीने में 2 स्तरीय प्रतियोगिता करा कर ये चयन किया जाता है ताकि इस कला सृजन को उत्कृष्ट कृतियों को एक स्थान मिल सके, खासकर क्षेत्रीय कलाकार। इसके अतिरिक्त हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि अधिक से अधिक जो उभरते हुए कलाकार हैं वो हमारे ललित कला अकेडमी के कार्यक्रमों का हिस्सा बने और अपने इस चीज को सीमित संसाधनों के आधार पर जैसा कि आप बता रहे थे 44 लाख से बढ़कर के 1 करोड़ हो गया, लेकिन ये 1 करोड़ भी कोई राशि नहीं है। इतने सीमित संसाधनों के बीच हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी
पूरे प्रदेश जो शायद दुनिया का छठवां सबसे बड़ा देश होता है, स्वतंत्र होता है, इतने व्यापक परिदृश्य पर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बच्चे जो इस सुविधा में ये तीन प्रकार में आ रहे हैं, ये सब परंपरा से कट करके और शहर के विपरीत तय करके आ रहे हैं। आज के युग में माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य सिवाय कला फाइनेंस को छोड़कर के हर विषय में देखते हैं। ये जो व्यवसायिकता का दौर, उसमें अपने बच्चों की आर्थिक उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय उनके दिमाग में जो अंतिम विभाग आता होगा वो फाइनेंस आता होगा, क्योंकि उन्हें यही लगता होगा कि आखिर इसमें बच्चा हमारा पढ़ लिख करके आगे बढ़ के करेगा क्या। तो एक ऐसे विपरीत माहौल में अगर ये बच्चे यहाँ इकट्ठे होकर के इस विधा को सीखने का, इसमें प्रशिक्षित होने का, अपने भावनाओं के प्रकटीकरण का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें हम संबल न दे सकें, हम उन्हें मंच न दे सकें, हम उन्हें मौके उपलब्ध न करा सकें, तो ये बच्चे बाद में निराश होने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि जब विनाश का दौर चल रहा हो तो जहां जो कुछ अच्छा हो उसे बचाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती समारोह उनके पैतृक गांव हरनही महुराव में भी मनाई गई। इस अवसर पर सेंट एन्स पब्लिक स्कूल और वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय कॉलेज के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती अंशु सिंह उपस्थित रहीं। इस अवसर पर स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट गोरखपुर आतिफ और सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसे सिद्धार्थनगर की टीम ने जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान वीर बहादुर सिंह के चित्र पर प्रबंधक अंशु सिंह और प्रधानाचार्य के पी कुशवाहा द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को अंशु सिंह द्वारा सम्मानित भी किया गया। अरे पिछवा मेडल बनाना नीचे करते हैं। सभी का मस्जिद की आप लोग ताली बजा के स्वागत करें कि उन्होंने अपना पूरा दिन दिया आप लोगों के पीछे और देखिए खिलाड़ियों के टैलेंट को पहचाना और आप लोगों ने जो दिखाया कम नहीं था। उनके तो सभी खिलाड़ी नीचे हैं इसमें, ना तो कोई गोरखपुर का है ना तो कोई सिद्धार्थनगर का। उनके लिए बोलिए कि इतना बढ़िया माहौल दिया आप लोगों को बुला करके और बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट उनका, आपके खाने पीने से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने ध्यान रखी, अच्छा गेम कराया, अच्छा ग्राउंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाए। आकर्ष
कभी साहब के बहुत बेहतरीन बॉल किए और टीम को जीत तक पहुंचाया। बहुत ही शानदार किसी का नजारा पेश किया इन्होंने। बाहर आ पाए और जिससे की तरफ से ऐसी गलती है। अविनाश पांडे, समीर, कामरान, मानस, कृष्ण प्रचोदन, विवेक रसिया, अमीश, अभिषेक, अंश, आकाश त्रिपाठी, सक्षम द्विवेदी, सचिन नागवर, कामरान, आतिफ क्रिकेट अकेडमी हमारी जो संगेश्वर एक्सपीरियंस प्लेयर किस टीम के निखिल राव, राजदीप यादव, सात्विक, रंजीत, रोहन बेस्ट बैट्समैन, शोभित, आकर्ष, जितेंद्र, सचिन, आदित्य, शरद, और अब हम हमारी जो लर्नर्स ट्रॉफी है उसको हम अपने चीफ गेट से चाहेंगे। हमारे आप लोग थोड़ा कम हो रही हो, आप थोड़ा आगे चलिए, लेवल अपना बढ़ाते रहिए। राजघाट स्थित गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के कुल 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को अतिथि द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विशिष्ट अतिथि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामजन्म सिंह, पंडित श्री राम शर्मा, अच्युत नंद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज के परिवेश में बच्चों को संस्कारित शिक्षा देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किताबी शिक्षा तो विश्वविद्यालय और विद्यालयों से बच्चों को मिल ही जाती है, लेकिन संस्कारिक शिक्षा से वह वंचित रह जाते हैं। ऐसे में संस्थान का कार्य सराहनीय है जो आज भी बच्चों में प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को संस्कारिक बनाने का प्रयास कर रहा है। इसको समझने के बाद किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। अब हम सबको सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत फिर से करते हैं, कर सकते हैं अपने सुझाव दे, फीडबैक। हम बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे
तो जिस क्षेत्र में भी आप चाहेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। आपका डॉक्टर साहब का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कुछ शुल्क शायद लगा था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी दिए तो हमारे प्रबंधक जी ने कहा कि नहीं, 100% बच्चों का फॉर्म भराया जाए और सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर हो। सबका जो शुल्क है वह मैं अपने पास से देता हूं। कम से कम बच्चे इतना तो समझें कि संस्कार परीक्षा क्या होती है, संस्कार युक्त परीक्षा क्या होती है, इतना तो समझेंगे बच्चे। नहीं प्राइज पाएंगे तो भी कोई बात नहीं। आपका जो यह मुहिम है, जो आपका प्रयास है, बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने हरिद्वार से शुरू करके देश देशांतर में अपना जो लक्ष्य है उसे पहुंचाने का काम किया है। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। मतलब कितनी पुरानी है इसके बारे में निश्चित रूप से हम नहीं बता सकते। महात्मा बुद्ध 500 वर्ष ईस्वी पूर्व के हैं, जो लिखित इतिहास में जिनकी चर्चा पहली बार होती है, उनके पहले हजारों वर्ष ईसा पूर्व, कई हजार वर्ष ईसा पूर्व, तो हम उसके बारे में, उस भारतीय संस्कृति के बारे में अकेले और थोड़े समय में बहुत कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए पूरा सैकड़ों लोग चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए। एक आदमी तो उस संस्कृति को के बारे में कुछ नहीं बता सकता, इसलिए हजारों किताबें लिखी गई। तमाम यात्री जो विदेशों से इस देश में आए, उन्होंने लिखा, इतना लिखा गया इस संस्कृति के बारे में, और इतने बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि हम लोग उसमें कुछ नहीं। ये संस्कृति शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। ये संस्कृति शब्द जो है, अंग्रेजी में इसको कल्चर कहते हैं, उसी से मिला हुआ एक शब्द एग्रीकल्चर है। ये कल्चर जो है कल्टीवेट करना, जो जमीन खोदते हैं ना, हल चलाते हैं तो उस जमीन का परिष्कार करते हैं। इसका अर्थ हम लोग उन्नयन के अर्थ में, ऊपर जाने के अर्थ में तीन शब्द हैं। एक है प्रकृति, बच्चे तो अभी नहीं समझेंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं बेचारे, लेकिन हमारे गार्जियंस लोगों के लिए एक शब्द है प्रकृति, जो हमारे पास है चारों, ये प्रकृति है। इसकी दो गतियां होती हैं, एक विकृत की ओर और एक संस्कृत की ओर। तो जो ऊर्ध्व गति इसकी होती है, ऊंचे जाने वाली, वो संस्कृत की गति होती है। हमारे यहाँ 16 संस्कार जो किए जाते हैं भारत हिंदुओं में, वो 16 संस्कार उसी संस्कृत करने के लिए किए जाते हैं। संसदीय उपचुनाव गोरखपुर को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद को अपना सपा का उम्मीदवार बनाया है। प्रवीण कुमार निषाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी के साथ ही डॉक्टर अयूब खान की पीस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का भी फैसला लिया है और इनका दल हमारा सहयोग करेगा, तो बात तो साफ हो गई है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। साथ ही साथ हम अपनी पार्टी के तमाम नेता, संगठन, सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ मंच पर राम भोपाल भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, क्षेत्र के मजबूत नेता हैं,
दूसरी तरफ अमरेंद्र निषाद भी हैं, वो भी उनकी माताजी उनके पिताजी लगातार उस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि वो पार्टी के संघर्ष में पूरा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। वहीं गोरखपुर की हमारी जनता से अपील है कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करें, सहयोग करें, जिससे कम से कम देश में संदेश जाए कि जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र दिखाए गए थे जनता के बीच में, जो संकल्प पत्र रखे गए थे, और अब तो जनता के पास, हम विपक्ष के नेताओं के पास, पीस पार्टी के पास भी होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी के पास भी होगा, एक केंद्र वाला संकल्प पत्र जो उस समय तय हुआ था कि हम क्या क्या करेंगे, जनता के बीच में रखा गया था। फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो घोषणा पत्र रखा गया था, और भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे आई। देवरिया बाईपास से रानीडीहा चौक तक डिवाइडर बनाने का कार्य लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत देवरिया बाईपास से कूड़ा घाट तक डिवाइडर बनाया जाएगा और सड़कों के दोनों तरफ चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। रविवार को डिवाइडर का कार्य रानीडीहा तक लगभग पूरा कर लिया गया है। जुबली इंटर कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर जिला स्तरीय वेटरन NST20 टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच फार्मा जींस और बुद्धा कोचिंग के बीच हुआ। फार्मा के कप्तान शादाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पूरी टीम 20 ओवर में 130 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बुद्धा कोचिंग ने 16 ओवरों में 3 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बनाकर 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रविवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच BSNL LCT और CAG LCT के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए BSNL की टीम 40वें ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। CAG के कप्तान अभिनव बाली ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 8 ओवरों में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी कैग की टीम ने 34 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। कैक के विकेट कीपर महेंद्र ने नाबाद 72 रन बनाए। विजेता टीम के कप्तान अभिनव बाली को मैन ऑफ द मैच और प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि मृत्युंजय त्रिपाठी ने ट्रॉफी प्रदान किया। अरे
80 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर बीएसएल का। रन 84 रन, 2 विकेट, जबकि स्कोर 87 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर बीएसएल का। मैं अच्छा हो ब्रह्मा ने यह शॉट खेला। मैं आपको बता दूं कि सुबह जब मैच शुरू हुआ था तो टॉस बीएसएल ने जीता था। बल्लेबाजी करने के लिए उन्होंने स्वयं बल्लेबाजी की और 159 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा था कैच को। बीएसएल को 5 विकेट से हरा के इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को जीतने का गौरव हासिल किया। सर मौजूद है हम उनका अरुणा यादव मैडम और साथ ही डॉक्टर परसों की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी रिजवान खान सीएजी। मैडम लंच चैंपियंस ट्रॉफी और 2,00,000 रुपए ये नगद पुरस्कार। चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। विविध सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की मनाई गई जयंती। शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक होंडा सिटी और एक तमंचा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद। कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा पार्टी हाईकमान ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेसियों ने मनाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती। कहा कभी नहीं भूल पाएगा उनके कार्यों को गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 2018 का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी में दिखी सांस्कृतिक झलकियां। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की उनके पैतृक गांव हरनही महुराव में मनाई गई जयंती। हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट। गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कहा बच्चों को संस्कारिक बनाना है उद्देश्य। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के लिए सपा ने बनाया निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को प्रत्याशी। पीस पार्टी का भी मिला है समर्थन। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से चल रहा है डिवाइडर बनाने का कार्य। जुबली इंटर कॉलेज के मैदान पर जिला स्तरीय वेटरन T20 टूर्नामेंट का हुआ आगाज।
और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक अजेय रही सीएजी एलसीटी ने किया ट्रॉफी पे कब्जा। अब तक के लिए बस इतना ही और हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।